आप जो भी हैं आपकी सोच से हैं, जैसी आपकी सोच वैसा आपका लाइफ होगा। कोई चीज को लेकर अगर सोच नेगेटिव हो रही है, परेशान हो रहा है, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि इस चीज के बारे में आप उससे बहुत आदि बन जाइए। जो प्रॉब्लम है ना वो सोच की है और व्यक्ति ने खुद ने बनाई, तो खुद ही ठीक करेगा। और खास करके आज जो ट्रेंड चला है ब्लैक मैजिक का, और इसमें अच्छे अच्छे लोग मानने लगे, बहुत सारे लोगों ने इसमें एडवोकेट भी मानते हैं, प्रोफेसर लोग भी इसमें मानते हैं कि सर इसमें मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अब शायद 6 महीने पहले एक एडवोकेट ने हमसे, एमपी का था वो, एमपी रतलाम से एडवोकेट था, एडवोकेट ने हमसे ट्रीटमेंट लिया था ऑनलाइन। तो उसने बोला कि सर मेरे साथ भी जो और एडवोकेट काम करें, इसमें एक को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, दूसरा टारगेट मैं हूँ, तो मैं मरने वाला हूँ। किसने तय कर दिया कि वो एक मर गया तो आप मरने वाले हो? नहीं, किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। कैसे पता चला? कि मेरे टेबल के नीचे एक कटा हुआ नींबू मिला है, अच्छा, और इसमें लाल कलर का कंकु जैसा कुछ दिख रहा था। अब पता नहीं कोई कर भी रहा होगा, कर सकते हैं, ऐसा लोगों की सोच होता है कि बस कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने उसको पूछा कि आप तो एडवोकेट हैं, हाँ एडवोकेट हूँ, तो आपको क्यों ऐसे डर लगता है कि आपके टेबल के नीचे नींबू पाया गया, कटा हुआ नींबू, लाल कलर का, ऊपर कंकु छिड़का हुआ? तो इससे कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है, कुछ तो गलत है इसमें, मेरे साथ कुछ तो गेम हो रहा है। तो अगर ऐसे लोग मानते हैं जो एडवोकेट हैं, तो फिर और लोगों की तो बात ही क्या है, सब लोग तो मानेंगे ही। लेकिन मैंने कहा है गलत है, आपके नीचे नींबू का कोई टोकरा भर के 20 किलो नींबू काट के रख देना, कोई टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ, कोई कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद थोड़ा भरोसा आया कि चलो ठीक है, अब तो कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अंदर एक डर रहता था कि एक जो इसका जूनियर एडवोकेट मर गया, इससे कम उम्र का था, उसको लेकर उसको परेशान हो रही थी। तो ये तो मरने की हजार वजह हो सकती है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हार्ट अटैक गया, कुछ भी हो, मरने के लिए तो कोई वजह थोड़ी होती है, सब नेचुरल है। तो उसको थोड़ा दिमाग इस तरह से ट्रांसफर किया, तो धीरे धीरे वो ठीक भी हो गया। तो पढ़े लिखे लोग इस तरह से अगर बिलीव करते हैं, तो अनपढ़ गाँव के किसानों की, मजदूर की तो बात ही क्या रही। लेकिन ये एक सोच है, और इसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, मूड चोट के बारे में, ये सब बातें बकवास है, 101% बकवास है, कोई दो राय नहीं। अब मैं कैसे कहता हूँ कि बकवास है? मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर इसमें कोई दम है, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, मूड चोट, तंत्र मंत्र, तो मेरे पर करके देखो। मैंने ओपन चैलेंज दिया, जिसको जितना ब्लैक मैजिक करना है, जितना मूड चोट करना है, मैं सेंटर में बैठता हूँ पूरा दिन, सुबह 10 से 7, जिसको जितना करना है ओपन, किसी को मैं मना नहीं करूँगा। जितना मेरे पर नींबू घुमाना है घुमाओ, जितना कंकु छिड़कना है छिड़ो, जितनी मुझे मालाएं पहनानी है, जितने धागा बांधना है, जितना बांधना है कर दो, खाऊंगा कुछ नहीं, ये साले खाने में कुछ भी मिला सकते हैं, खाने पीने की बात नहीं है, लेकिन जितना कुछ प्रयोग करना है मेरे ऊपर, मेरे सामने करो, मेरे से दूर जाके करो, श्मशान में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुली छूट है। आपको भी किसी को आता है करना है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आप तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसको करना है कर सकता है। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, सब बकवास है, ऐसे 1% दम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज तक तो कोई मेरे पास आया होता, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई मुँह चोट वाला, कि देखो मैं प्रयोग करके दिखता हूँ। लेकिन मैं बाद में ये भी बात छोड़ी थी, मैंने साथ में ये भी बोला था कि आपको प्रयोग करने की छूट है, जितना करना है कर लो, लेकिन अगर मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ तो मैं आपको जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पर ही। कोई नहीं आया, सुपर ख्याल होने वाला कुछ नहीं है, हला फंस जाएंगे और मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर अगर आपको जो करना है कर लिया, 2 दिन 4 दिन में वेट करूंगा, मेरे सामने आप रहोगे, खाना पीना मैं दूंगा आपका, मेरे साथ ही रखूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, आप चैलेंज करो कि आप 4 दिन में नुकसान करोगे, हफ्ते में मेरा कुछ गलत करोगे, मुझे बीमारी आनी चाहिए, क्या कर सकते हो आप? अगर नहीं हुआ तो फिर आप मारे जाओगे, इतना हकीकत है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, मतलब कि ये सारी चीज़ें इतनी बकवास है, लेकिन पता नहीं लोग इतना क्यों भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को इस पर ज़्यादा भरोसा आता है। तो दूसरों की बात छोड़ो, आपको तो इतना समझना चाहिए कि आप इसमें उलझने नहीं चाहिए।
बिल्ली को इस तरफ जाना है जाए, इस तरफ जाना है जाए, चार बिल्ली आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए तो पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आपको दिमाग के अंदर ये सेटिंग कर देनी है कि कोई भी चीज़ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई खतरा नहीं है। दिमाग को इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, मैंने दिमाग को ऐसे बनाया है, आप जो भी हैं आपकी सोच से है, जैसी आपकी सोच वैसा आपका लाइफ होगा। लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया कि कोई चीज़ को लेकर अगर सोच नेगेटिव हो रही है, परेशान हो रहे, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि इस चीज़ के बारे में आप उससे बहुत आदि बन जाइए। तो इसके लिए बात क्या है कि जो प्रॉब्लम है ना वो सोच की है और व्यक्ति ने खुद ने बनाई है, तो खुद ही ठीक करेगा। बस उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको तरीका बताना चाहिए कि इस तरह से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो हो ही जाता है। इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें होती है कि जिसमें कुछ वास्तविकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, इमेजिन है। US की एक लेडी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, तो जैसे मैं निगलती हूँ तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है, निगलता नहीं, गले से कुछ जाता ही नहीं है। उसने खाना ही कम कर दिया, उसे लिक्विड पे अपने ज़िंदगी चलाई। मैंने कहा कि आप तो US में, तो आपने तो रिपोर्ट करवाए होंगे गले में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, गले में कोई चीज़ है ही नहीं, दिखती नहीं है, एक्सरे में कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये सोच है कि गले में कुछ अटका हुआ है। पता नहीं कि इसने कोई ऐसा सीन देखा, मूवी देखा, कहीं से इसने भी मान लिया कि गले में कुछ अटक जाता है तो हम खा नहीं सकते, बस उसने सोच बना ली। फिर हमने बस इस तरह से ट्रीटमेंट किया, इमेजिन करवाया कि आपका गला बहुत ही अच्छा है, साफ है, हर चीज़ आसानी से निकल सकती हो, खाने में बहुत मज़ा आता है। इस तरह से बार बार ये ट्रीटमेंट उसको दिया गया, गले को इमेजिन करवाया, गले का तो नाली आपका तो सबसे चौड़ा हो चुका है और आसानी से हर चीज़ आपका खाया हुआ आपका गले से निकल कर पेट में जाएगा और बहुत आराम से आप खाना खाएगी। लगातार ये प्रैक्टिस से ये सोच गले में अटका हुआ वो सोच निकल गई, आराम से रहती हैं। अब खाने के टाइम वो सोच नहीं आएगी जो पहले आती थी, जब पहले क्या निवाला लिया तो ये गले से नीचे तो जाएगा नहीं, क्यों मैं नहीं निवाले रहा हूँ, क्यों मैं खा रही हूँ, और मुश्किल से थोड़ा बहुत खा लिया तो बहुत जोर लगा के खाना होता था, वास्तव में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पता नहीं लोगों की क्या क्या सोच बन जाती है और पता नहीं इतनी परेशानियां लोग पैदा कर देते हैं। तो लगा कि इसमें तो समाधान इसी तरह से होना चाहिए, कोई और समाधान मुश्किल करना ही नहीं है, ना इसके लिए 1 रुपये का दवाई लगेगा, ना कोई इसमें तंत्र मंत्र लगता है, सब सोच का खेल है। सोच का खेल है तो सोच से ही ठीक होगा, सोच की बीमारी है तो सोच से ही ठीक होगी। और सोच बदलने के लिए इतना आसान नहीं होता, इसका भरोसा जीतना पड़ता है, उसके साथ डील करने के लिए उसको ये दिखाना पड़ता है कि आप ठीक होने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए समझनी है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम, ज़्यादातर नहीं, सभी प्रॉब्लम सोच की ही होती है और व्यक्ति खुद ही क्रिएट करता है। कोई बाहर से कोई आपकी सोच खराब नहीं कर सकता, क्योंकि सोच पे कंट्रोल व्यक्ति का खुद का ही होता है। अगर आप सोच बदलना चाहोगे ना तो ही आप बदलोगे। सोच आप खराब कर सकते हो, आपकी सोच डायरेक्टली और कोई खराब नहीं कर सकता, आपको कोई नेगेटिव बना ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव बना सकते तो आप बना सकते हो, अगर पॉजिटिव बना सकते तो सिर्फ आप ही बना सकते हो। हम भी कोई मतलब जादूगर नहीं है कि आप यहाँ सेंटर पर आ गए, अल्फा माइंडिंग सेंटर पर आके हमने सब लकड़ी लेके बैठ गए, सबके घुमा दिया, सब लोग पॉजिटिव, सब खुश, मामला ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। या पूरा साइकोलॉजिकल साइंटिफिक प्रैक्टिस लगता है, पूरी सोच को बदलना है, सोच की गहराई तक यानी सबकॉन्शियस माइंड तक जाना है, पहुंचना है, वहां पर जो जितना गंदगी सोच का नेगेटिविटी सब कमजोरी जो भर दिया आपने उसको हटाना है, इसके लिए पॉजिटिव डालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, भरोसा देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। कितनी सारी चीज़ें देते हैं तब दिमाग बदलता है, सोच बदलती है।